दैनिक सवेरा की टीम बालटाल पहुंची है। यह पहली बार है जो दैनिक सवेरा की टीम इतने पहुंची है। बालटाल दे एक नर्सिंग एक हॉस्पिटल जड़ा बनाया गया सरकारी हॉस्पिटल जिथे श्रद्धालु उपर जान लगे या इतने कोई उन्होंने प्रॉब्लम आती है इतने लैन। मेरे नाल ने डॉक्टर शब्बीर जो इंचार्ज ने हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब कैसा है यहाँ इंतज़ाम, क्योंकि बहुत 2 महीने के लगभग ये चलेगी यात्रा। ऐसा है कि यहाँ पे ये बालटाल जो है ये बेस कैंप हुआ है, तो यहाँ पे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से 3 बेस हॉस्पिटल्स बना रखे हैं। बेस कैंप हॉस्पिटल बालटाल, बेस कैंप हॉस्पिटल पंचतरणी एंड बेस कैंप हॉस्पिटल होली केव। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 4 मेडिकल एड सेंटर्स हैं और 8 हमारे ईए सेंटर हैं बालटाल साइड से। मैं इस यहाँ से मेडिकल डायरेक्टर हूँ इस साइड से। आई एम लुकिंग दिस फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ये बेस हॉस्पिटल है, इट इज़ 30 बेडेड हॉस्पिटल। इसमें हमने 10 बेड्स जो हैं स्पेयर रखे हैं फॉर एनी इवेंचुअलिटी वो है। और इस बेस हॉस्पिटल में हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, ओपीडी फैसिलिटी है, आईपीडी फैसिलिटी है, और हमारे पास यहाँ पे लैब है, एक्सरे फैसिलिटी है। उसके साथ साथ हमारे पास आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए हमने मॉनिटर्स लगाए हैं सेचुरेशन चेक करने के लिए। मेरे पास यहाँ पे इस वक्त जो स्टाफ अवेलेबल है, आई एम हैविंग ए फिजिशियन कार्ड, आई एम हैविंग एनेस्थीजिया स्पेशलिस्ट, आर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, और उसके साथ मेरे पास मेडिकल ऑफिसर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है। जो इस वक्त मेरे पास यहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है वो जे एंड के स्टेट के साथ साथ हमारे आउटसाइड द जे एंड के स्टेट्स इंडिया से ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट उड़ से मेरे पास स्टाफ आया है, डॉक्टर्स एज वेल एज पैरामेडिकल्स। डॉक्टर सुमीर, इस समय कोई ऐसा कुछ सीरियस को पेशेंट आ जाता है उसको यहाँ से लिफ्ट करना है और कैसे वो अपने इलाज के लिए जाए? देखिए मेरे पास यहाँ पे बिकॉज मोटरेबल अप्रोच इज अप टू बालटाल, सो अप टू दुमेल, दिस इज़ बेस हॉस्पिटल। तो मेरे पास 10 एम्बुलेंसेज हैं। 1 एम्बुलेंस इज स्टेशन एट दुमेल एंड 8 एम्बुलेंसेज आर स्टेशन हेयर। 1 एम्बुलेंस इज स्टेशन एट हेलीपेड नीलग्राड एंड इन रूट फैसिलिटीज जितनी भी हमारे जो हैं हर जगह एम्बुलेंस फैसिलिटी है, हर जगह डॉक्टर्स हैं। और यहाँ पे इन एडिशन टू दैट वी हैव बीन प्रोवाइडेड 1 क्रिटिकल एम्बुलेंस विच विल स्टे हेयर एंड अदर एट हेलीपेड। तो अगर हमारे पास कोई क्रिटिकल पेशेंट हो जाता है, हम उसको फर्स्ट एड देने के बाद ये है कि हमने एक टीम ट्राइज टीम बनाई हुई है, माय पैरामेडिक ए डॉक्टर एंड ए पैरामेडिक इन दैट एम्बुलेंस, वो शिफ्ट करने तक हम उधर ले जाते हैं। और हमें अगर कोई लगता है कि कोई पेशेंट ऐसा है जिसको तुरंत, बिकॉज फर्स्ट आवर इज़ द गोल्डन आवर टू सेव अ लाइफ, तो उसके लिए हमने हम टेक अप करते हैं मैटर विद श्राइन बोर्ड। यहाँ पे हमारे कैंप डायरेक्टर बैठे हैं, हम उनसे टेक अप करते हैं, तो वो उसको बाई चॉपर शिफ्ट करते हैं टेरिशरी केयर में जहाँ सोवरा इंस्टीट्यूट। यात्रा अब शुरू हो गई है और ये यात्रा के दौरान जो रास्ता है उस समय किसी की कोई मेडिकल कंडीशन किसी की ख़राब हो जाती है, उस समय हमारा इन बिटवीन रास्ते में कोई है ऐसा मेडिकल फैसिलिटीज़ है ना? मैंने आपको जो बताया हमारे मेडिकल एड सेंटर्स है, 1 इज़ एमरजेंसी एड सेंटर, देर इज़ अ डॉक्टर, देर इज़ अ पैरामेडिक स्टाफ, देर इज़ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, पोर्टेबल ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल, मेडिसन आर अवेलेबल। देन ESE एमरजेंसी एड सेंटर्स लाइक दैट, मेडिकल एड सेंटर में 2 डॉक्टर अवेलेबल होते हैं और एमरजेंसी एड सेंटर में एटलीस्ट 1 डॉक्टर, बट वी कैन, अगर हमारे पास स्टाफ आता है हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो उसके अलावा हमारे ऑक्सीजन बूथ लगे हैं लास्ट में इन रूट, हर जगह हमारे जो है हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके साथ साथ इट इज़ ए टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन हो रही है। यहाँ MRTs हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स, तो वी हैव प्रोवाइडेड देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स, एक तो वो करते हैं, SDRF इज़ दियर, NDRF इज़ दियर, तो कोऑर्डिनेट करके अगर ऐसा कुछ होता है तो पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। और उसके साथ साथ जो भी हमसे हो सकता है हम करते हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड सर्विसेज
to our guest yatris. Thank you, doctor. Thank you. So, this is Dr. Shabbir Ahmed, who is in this hospital in charge. And this is under this hospital, the Shrine Board is under this hospital. And two other hospitals have been built. Especially, serious patients can be airlift. Camera person Mukesh Denal, Jyoti Bahl, Dainik Sewera TV, Baltal.